बच्चों त्योहार शुरू हो रहे हैं, त्योहारों के समय कौन खूबसूरत नहीं दिखना चाहता। भले ही कहा जाता है खूबसूरती मन की होती है तन की नहीं, फिर भी सुंदर दिखना हर किसी की चाह होती है और ये ज़रूरी भी है। आजकल की दुनिया में हर लड़की हर महिला चेहरे को चमकदार और बेदाग बनाने के लिए कई ऐसे तरीके अपनाती हैं। महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट, फेशियल ट्रीटमेंट और ब्यूटी सैलून जाकर हज़ारों रुपये खर्च करके आती हैं। ये बड़ी आम सी बात है, लेकिन फिर भी प्राकृतिक जो नेचुरल चमक लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ दिन के लिए तो वो अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा के लिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग कई बार यह भूल जाते हैं चमकती त्वचा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हेल्दी चीज़ों का सेवन करना और घर के नेचुरल इंग्रेडिएंट का उपयोग करना। और बच्चा लोग कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों आज का DIY सभी स्किन टाइप के लिए है। आपको इसके लिए कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में 25 मिनट आप अपने आप को दे ही सकते हो। और पता है ये सारे इंग्रेडिएंट्स घर पर ही मिल जाते हैं और हमारे चेहरे के दाग धब्बे पिंपल्स मुहासे बल्कि पिंपल्स हट जाने के बाद जो दाग रह जाते हैं उन सभी को भी केयर करने में यही फेशियल मदद करेगा। ये DIY बिल्कुल फ्री में भी होगा और आपको फ़ायदा भी देगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए जिससे आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकें। इस फेशियल के बहुत सारे फायदे हैं, 3 स्टेप में हम इसे करने वाले हैं, लेकिन कहां कहां आपको इसके लिए ध्यान रखना होगा इसके लिए वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। और हाँ, ये फेशियल अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करने में बच्चों कंजूसी बिल्कुल ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि सभी के पैसे बचाने हैं और सभी को सुंदर दिखना है। तो बच्चों अब जो पहला स्टेप है उसमें हम चेहरे को क्लीन करेंगे। फेस क्लीन अप के लिए दही और नीम के पत्तों के साथ उसका उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या होगा, नीम का पेड़ जो हम सभी के घरों के आसपास ही दिखाई देता है, वो इतना असरदार होता है हमारी स्किन के लिए, इतना बेस्ट होता है जिसके बारे में हम विश्वास ही नहीं कर सकते। अभी तक तो हम यही सुनते थे नीम के जो दातुन होते हैं वो हमारे दांतों के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन उसके पत्ते हमारी स्किन को कितना फ़ायदा दे सकते हैं इसको आज हम खुद देखेंगे। सबसे पहले नीम के कुछ पत्ते लीजिए, उसे अच्छे से वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद उसे आपको गुलाब जल के साथ घोटना है। आप चाहें तो उसे खलबत्ते में घोटें या चाहें तो उसे मिक्सी में ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं। बस बच्चों ध्यान इस बात का रखना होगा कि उस मिक्सी को या फिर खलबत्ते को पहले से साफ़ किया हो, क्योंकि आप ये जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो अपनी स्किन के लिए यूज़ कर रहे हो। बच्चों नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण और दही में लैक्टिक एसिड मिलकर आपकी त्वचा की गहराई से सफाई करेंगे, मुहासों और पिंपल्स को दूर करेंगे, चेहरे को ताजगी और चमक प्रदान करेंगे। अब चलते हैं बच्चों सेकेंड स्टेप पे, वो है फेस स्क्रब। फेस स्क्रब करने से हमारे फेस का हमारे चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और उसके लिए भी बच्चों पता है घर के इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक तो हमारे पास नीम का जूस ऑलरेडी है, उसे छानकर तो हमने सभी में यूज़ करना है। दूसरा चीज़ चाहिए हमें कास्टर शुगर। बच्चों कास्टर शुगर के लिए मैं हमेशा आपके लिए रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि चीनी तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं पर कोई दूसरी चीनी आपकी स्किन पर ना रैशेस दे सकती है। जो कास्टर शुगर है ना वो आपके चेहरे को अच्छे से स्क्रब भी करेगी। अब बच्चों बारी आती है इस स्क्रब को यूज़ कैसे करना है। बहुत ही आसान है, एक कटोरी में थोड़ी सी कास्टर शुगर ले लीजिए, थोड़ा सा नीम का जूस लेना है जो कि हमने गुलाब जल के साथ उसको बनाया है, बस उसे धीरे धीरे चेहरे पर रब कीजिए, आपको रिजल्ट अपने आप मिलेगा। 2-4 मिनट जब रब करेंगे उसे आप क्लीन भी कर लीजिए। एक और बात जो मैंने कहा था ना, आपको इस फेशियल के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि जो नीम का जूस है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो कई बार इसे यूज़ करते टाइम हमारी आंखों में आंसू आ सकते हैं, तो ध्यान रहे इस बात का कि आंखों से थोड़ा सा बचा के इस फेशियल को कीजिए। बाकी बहुत ज़्यादा फायदा देगा लेकिन आंखों में कई बार आंसू आ सकते हैं, तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आंखें साफ होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी पैक के टाइम आपको क्या ध्यान रखना है वो देख लेते हैं बच्चों।
फेशियल के लिए जो हम पैक बना रहे हैं वो पैक होने के साथ साथ क्रीम का भी काम करेगा। तो इसमें हमें क्या यूज़ करना है बच्चों? एलोवेरा, जो हमारे लिए बहुत बेस्ट है। इसके लिए कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें डालेंगे हम विटामिन ई। विटामिन ई का एक या दो कैप्सूल डाल सकते हैं। इसे मिक्स कीजिए, थोड़ा थोड़ा इसमें नीम का जूस भी डालिए। तो मैंने बताया था ना बच्चों, मेन इंग्रेडिएंट है हमारे पास नीम का जूस, तो वही हम तीनों बार इसे यूज़ करेंगे। अब इसको सबको मिक्स करके एक अच्छा पैक चेहरे पर लगा लीजिए। चेहरे पर जब आप अच्छा सा लगाएंगे, हल्का हल्का मालिश करेंगे, उसके बाद इसे हटाना नहीं है। बस ध्यान ये रखना है, कम से कम 20 मिनट आपको लेट जाना है। आंखें बंद करके लेट जाइए, हो सके तो खीरे की दो स्लाइस आंखों के ऊपर रख कर थोड़ा आराम लीजिए। जब आप आराम लेंगे तो स्किन इन सारी चीज़ों को ना एब्जॉर्ब करेगी और तुरंत आपको चमक भी दिखेगी। बच्चों जब इस एज में मुझे चमक दिखती है तो आपको क्यों नहीं। 20 मिनट बाद आप चेहरे को वॉश कीजिए, फिर खुद देख लीजिए शीशे में अपने आप को, खुद समझ जाएंगे। बच्चों ये फेस पैक आपको चमक के साथ साथ हाइड्रेट भी रखेगा। और हाँ बच्चों, अगर आपको तुरंत चेहरे पर चमक और हाइड्रेशन चाहिए तो ये फेस पैक बेहतरीन है। एलोवेरा और विटामिन ई त्वचा को पोषण देते हैं, जबकि नीम का रस मुहासों और लालिमा को कम करता है, जिससे त्वचा चमकदार और मुलायम रहती है। एक और बात बच्चों, अगर आपको पिंपल्स इस वक्त ज़्यादा हैं तो आप स्क्रब को स्किप कर सकते हैं, बाकी दोनों स्टेप को आप ज़रूर यूज़ कीजिए। ये दोनों तरीके आपकी त्वचा को प्राकृतिक चमक देने के लिए मदद करेंगे, स्वस्थ भी रखेंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइए ये फेशियल आपको कैसा लगा।